दोस्तों आज हम सिखाते हैं कि 8 मॉडल वाला जो है प्लेट का वायरिंग किस तरह से किया जाता है और कनेक्शन। इसमें दो को ट्यूबे लगा हुआ है और दो को चार को स्विच लगा हुआ है और एक सॉकेट लगा हुआ है। दोस्तों इसका वायरिंग हम ट्यूबे इसमें लगा हुआ तो सबसे मेटर खड़ा होता है ट्यूबे में। आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो। ठीक दोस्तों हम शुरू करते हैं। ये जो नीचे वाला टर्मिनल है तो सब नीचे वाला टर्मिनल में हमको फेज डालना है। दोस्तों मीटर होता है क्या कि ट्यूबे जो है ना, ट्यूबे डबल तार वाला भी होता है, सिंगल वाला भी होता है। तो हम यहाँ किसी एक में सिंगल किए हैं और एक में हम डबल किए हैं, यानी कि फेज नेगेटिव हम उल्टा पुल्टा दिए हैं। तो आप एक चीज़ देख लीजिए कि इसमें मान के चलिए हम इसको खाली लेके चलते हैं। अभी इसको हम खाली लेके चलेंगे और एक तो हम फेज डाल के चलेंगे। एक उस बोर्ड में फेज डालना है तो वहाँ से नीचे करना है। यहाँ देखिए ई टर्मिनल से लिए, ये टर्मिनल से हम सीधा किए, ये टर्मिनल से इसमें ला के हम छोड़ दिए। ठीक ये टर्मिनल में जो है इसको टाइट कर देना है फुल से, अच्छा से, ये तो बहुत शॉर्ट मारेगा। इसको ऐसे लिए। दोस्तों दिखाते हैं आपको कि ट्यूबे का कनेक्शन और ट्यूबे स्विच कैसे काम किया जाता है। हर एक चीज आपको दिखाते हैं कैसे बनता है बोर्ड। इसको फिर यहाँ से हमने काट लिया। अब इसको जो है टाइट कर दिए फुल, इसको हम काट लेते हैं। ठीक इसको काट लिए। तो दोस्तों आप सॉकेट है तो सॉकेट में देना है पॉइंट लाइन देना है। तो सॉकेट में तार हल्का सा छिल चुके हैं। अब इसको लेके हम ये वाले टर्मिनल जो है ऊपर वाला, ये वाला टर्मिनल में हम इसको ऐसे धीरे से खोलना है। इसको फिर से टाइट कर देना है खोल के, तार फंसा के। इसको ऐसे हम ले लिए। ये देखना दोस्तों इसमें मीटर खड़ा होता है एल और एन का। ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि एल में अगर लोड ही पड़े तो बेहतर होगा, क्योंकि उससे कोई भी प्लग अगर लगाने से आसानी से उसमें बड़ी अर्थ नहीं मारता है। तो इस तार को हम यहाँ से कट कर लिए। हम ये तार को यहाँ से कट कर लिए, ये तार को ऐसे लिए हम, इसको एल में हम डाल देंगे। ठीक एल में डाल दिए। अब दोस्तों दिखाते हैं इसका फिटिंग कैसे होता है। वीडियो में बने रहिए, आपको शुरू से अंत तक हम दिखाते हैं। ठीक दोस्तों वीडियो पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों ये दोनों टर्मिनल बच गया, ये ट्यूबे मेरा खाली रह गया। ठीक तो दोस्तों एक ट्यूबे है मेरे पास तो इसका हम दिखाते हैं। एक ट्यूबे और है मेरा, इसमें ई मेन वाला ट्यूबे है, इसमें मिनी एमसीबी हम लगाए हुए हैं। इसमें दो ट्यूबे है तो फैन वाला जो ट्यूबे है तो हम इधर गिराएं और बल्ब वाला हम ट्यूबे उधर गिराएं। तो इससे मीटर खड़ा होगा क्या, एक साइड में जो है हमको फेज डालना होगा, एक साइड को हमको ब्लैंक रखना होगा। तो दोस्तों मान के चलिए हम इसको ब्लैंक रखते हैं अभी सपोर्ट के लिए। इसको हम अभी ब्लैंक रखते हैं। ठीक अभी इसको भी हम ब्लैंक रखेंगे तो यहाँ वाले मीटर इसमें भी खड़ा होगा। ठीक तो इसमें वही करना है, इसको भी ब्लैंक रखना है। इसका सॉकेट में भी लाइन दे देते हैं। दोस्तों कनेक्शन आपको शुरू से अंत तक हम दिखाते हैं किस तरह से किया जाता है, ऑनलाइन चालू भी करके आपको दिखाएंगे। और ए टू जेड आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों फिर ये टर्मिनल से काटे, ये टर्मिनल से इसको यहाँ से लिए ऐसे करके, ये टर्मिनल को जो है, ये टर्मिनल में जो यहाँ फिर एल और एन होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना है दोस्तों कि एल और एन में बेहतर यही होता है कि जैसे एल में लोड ही अगर हम एल को इसमें भी डालेंगे तो चलेगा, हमको कोई दिक्कत ना है। बट लेकिन कोई कोई मशीन ऐसा होता है उसको सीधा लाइन चाहिए, बहुत चार्जर ही होता है वैसे ही रहता है, उसको सीधा प्रॉपर लाइन चाहिए, नहीं तो उससे बड़ी अर्थ मार देता है, उसमें होमिंग लाइन मारने लगता है। तो दोस्तों मीटर खड़ा होता है, अब इसका लाइन देना है। चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि इसको इसमें लाइन देके हम इसका स्विच जला के आपको दिखाएंगे।